तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? ऑफ कोर्स करती हूँ, कैसी बातें कर रहे हो? तो करती हो तो मेरे साथ तुम रिलेशन बनाओ, आज के आज मुझे फिजिकल होना है, या फिर तुम होटल चलो, मैं अभी होटल बुकिंग कर रहा हूँ, चलो। क्या बोल रहे हो? चलो अभी। क्या बोल, दोबारे बोलना तुमने, क्या बोला? चलो। क्या बोल रहे हो अमित? ये कौन है? क्या लो? ओ, खुद ही मिल लो। तू कौन है भाई? तेरे साथ मिलाने जाऊंगा मैं इसका। अबे हाथ हटा। मैं इसका होने वाला ना पति हूँ, ठीक है? इस पे ये वही मगरमच्छ वाले आंसू लेके तुम्हारे पास रो रहा है। ओ भाई क्या बोल रहा है तू? ये मेरा डिमांड है, ये आखिरी फैसला है कि तुम आज मेरे साथ चलोगी और फिजिकल होगी, नहीं तो रिश्ता खत्म। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है अंजलि। मासूम, मेरी बातों पे विश्वास रखो। देखो मुझे नहीं पता था, तुमने ये बात मुझे फोन पे नहीं बताया कि वो तुम्हारा मंगेतर है। अभी तुम ये सब कह रही हो, कोई मंगेतर ऐसा कैसे कर सकता है जबकि उसकी 10 दिन बाद शादी है। अगर मैं तुम्हें कुछ बता रही तो सोच समझ के बता रही हूँ ना। नहीं अंजलि, देखो चीजें यहाँ पे इतनी कॉम्प्लिकेटेड बता रही हो ना, तो मुझे इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब जो इंसान की शादी तुमसे ही होने वाली है, जो इंसान तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? मासूम, पहली बात तो ये कि वो मेरा मंगेतर है, मैं उसकी बुराइयाँ ऐसी नहीं करूँगी। अगर वो कुछ बदल रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो नहीं संभल रहा, इसलिए मैं तुमसे ये सब बोल रही हूँ। पिछले 10 दिनों में वो ऐसा नहीं था, अभी वो हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, उसे कौन सी चीज़ की भूख चढ़ी है। पहले वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं टोकता था, अब वो मुझे कपड़ों से लेके मेरे पूरी बॉडी तक मुझे टोक रहा है। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना कुछ मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? देखो अंजलि, मुझे पूरी चीज़ें खुल के बताओ, एग्जैक्टली वो क्या चाहता है तुमसे शादी से पहले, एग्जैक्टली तुम्हें किस बात से हर्ट हुआ है जो तुम कैमरे लगवाई हो यहाँ पे, पूरी चीज़ बताओ। और हम जो करने वाले हैं ना, उसमें तुम्हारा साथ देना पड़ेगा, तभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड का अक्ल ठिकाना आ सकता है, सॉरी तुम्हारा मंगेतर का। तो मुझे पूरी चीज़ बताओ, एग्जैक्टली चाहता है क्या। मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ अंजलि, पूरी चीज़ बताना, ठीक है? ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं मासूम और हमारे साथ यहाँ बैठी हुई है अंजलि, जिसकी 10 दिन बाद शादी है, और ये लड़की का जो बॉयफ्रेंड है, 1 साल से रिलेशनशिप था, तब जाके इनकी शादी लगी, इंगेजमेंट हुई, देन इनकी शादी है 10 दिन बाद, कार्ड वार्ड सब छप चुके हैं। अब इनके बॉयफ्रेंड का 2-3 डिमांड है जो ये पूरा नहीं कर पा रही है, जिस वजह से रिश्ता टूटने तक आ चुका है। अंजलि पूरी बात बताओ, मतलब ये लफड़ा स्टार्ट कितने दिन पहले हुआ? ये कम से कम 10 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। वो आखिर चाहता क्या है तुमसे? चाहता मुझसे कुछ भी नहीं था वो। इवन मेरे जो माँ बाप है, उन्होंने इतनी आज़ादी दी है, पर मैं उनकी आज़ादी का गलत फायदा नहीं उठा सकती। पहले 10 दिन पहले सारे बच्चों को ऐसे ही करना चाहिए। जी हाँ, और मैं ऐसी हूँ। 10 दिन पहले वो अमित बिल्कुल अच्छा था मुझसे, हम हंसी मजाक से बात करते थे, मेरी इमोशंस को समझता था। अब वो जब से अपने दोस्तों के साथ इतना रहने लगा है, उसने मुझे बॉडी से लेके लाइक वो मुझसे कुछ ना कुछ डिमांड ही करता जा रहा है। कभी वो मुझे कपड़ों के लिए बोल रहा है कि 1 पीस पहनो, मेरे साथ क्लबिंग पर चलो, रात को बाहर निकलो। कोई कैसे रात को बाहर निकल सकता है? निकल सकते हैं, काफ़ी लोग निकल सकते हैं, पर मेरे घर में ऐसा चीज़ अलाउ नहीं है। ये आपका संस्कार नहीं है, अच्छी बात है। एग्जैक्टली उसका डिमांड क्या है जिससे तुम हर्ट हुई हो, मुझे वो जानना है। पहली बात तो ये कि वो मुझे क्लबिंग लेके जाना चाहता है, मेरे साथ दारू पीना चाहता है बैठ के, मैं नहीं कर सकती। वो मुझे शॉर्ट कपड़ों में देखना चाहता है, 1 पीस में देखना चाहता है, और जो सबसे मेन बात है वो मैं नहीं बता सकती तुम्हें। अंजलि डरो मत, पूरी बात बताओ मुझे, शर्माओ मत, कोई बात नहीं। जो जब वो बोल चुका है तो तुम्हें बोलने में डर नहीं होनी चाहिए, बेफिक्र बोलो। वो मेरे साथ फिजिकल होना चाहता है, जो नहीं नहीं हो सकता शादी से पहले, कभी नहीं। तुम पे मुझे सल्यूट है यार, तुम ऐसा वैसा अभी भी इस ज़माने में सोच रखती हो, बहुत अच्छी बात है। बट वो ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, मैं तो उसे जानता नहीं हूँ, मैं तुम्हें पिछले 2-3 दिनों से जान रहा हूँ। दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, इनका जो मंगेतर है वेस्टर्न कपड़ों में, क्लबिंग में, यानी वेस्टर्न कल्चर जो इंडिया में घुस चुका है, जो हमारा इंडिया का कल्चर नहीं है, वो इसका बॉयफ्रेंड चाहता है, और किसके बातों पर कर रहा है आई डोंट नो। तो मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूँगा, ठीक है? क्या दिक्कत है अगर पूरी चीज़ें डिमांड पूरा कर दोगे, बाद में तो तुम्हारा पति है वो, तुम्हें क्यों डर, क्या डर क्या लग रहा है तुम्हें? बाद में चीज़ें बदलती भी तो है ना, अगर वो ये सब डिमांड मुझसे कर रहा है, वो आगे किसी और से कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो लोगों को समझ में आ गया है कि तुम जो नहीं चाहती वो चीज़ वो चाहता है। तो तुम्हें ये यहाँ पे मैं जो नाटक रचना चाह रहा हूँ वो ये है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से पहले बात करो। कितने देर में आ रहा है वो? मेरा मंगेतर अमित तभी
15 मिनट में ही आता होगा। वो आएगा, उससे बात करो कि मैं ये सब नहीं कर सकती, तुम जो चाहते हो नहीं कर पाऊंगी और शादी के बाद भी नहीं कर पाओगे ना जी। हाँ, शादी के बाद तुम्हारा जो पति पत्नी का रिश्ता है वो अलग चीज़ है, पहनने का घूमने फिरने का वो नहीं बदल पाओगे जी, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, तुम ये चीज़ें बोलो कि मैं ये नहीं कर सकती, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? देन अगर वो मना करता है तो मुझे बुलाना, मुझे इंट्रोड्यूस करवाना अपने बॉयफ्रेंड के रूप में, ओके ना? ओके। फिर देखते हैं तुमसे वो कितना प्यार करता है। तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार करता है? जहाँ तक मुझे पता है प्यार तो करता है, पर इतनी जल्दी बदल जाएगा ये प्यार मुझे नहीं पता था। तो कंफर्म हो ना वो प्यार करता है जी? अगर अंजलि वो तुमसे प्यार करता है सच्चा वाला, तो वो कभी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे साथ या किसी और लड़के के साथ, ओके? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड जब तक यहाँ आएगा उससे पहले बात करना प्यार से, तुम्हें क्या हो गया, क्यों बदल गया, फिर वो नहीं मानेगा तो मुझे इंट्रोड्यूस करना, बाकी मैं आगे देख लूँगा। ठीक। बाकी दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहो, बिल्कुल स्किप मत करना। अंजलि की यही कहानी थी, अब आगे क्या होता है इसके बॉयफ्रेंड और मंगेतर जो भी है वो आने के बाद ही सारी चीज़ें हो पाएगी। और थैंक यू सो मच। क्या पहन जी मन के आई है तू? हाँ, क्या बोला था मैंने पहन के आने के लिए, बताना क्या हो गया है तुम्हें? क्या बहन जी जैसे बन के आई है तू? क्या बहन जी, तुम्हें ये सब पसंद नहीं है क्या? अब पसंद नहीं है ना, बोल तो रहा मॉडर्न बनो, कैसे आजकल देखती नहीं लड़कियाँ कितनी अच्छे से शॉर्ट ड्रेस पहन के घूमती है, वन पीस पहन के घूमती है, तुम्हें क्या बोला था पहन के आने के लिए? तुम्हें इसमें क्या गलत लग रहा है? हमें पहले तो तुम ऐसे नहीं थे ना अंजलि, तुम समझो ना, जमाना को समझो ना, डिजिटल जमाना हो गया, तुम क्या पहन रही हो बहन जी जैसे? तुम्हें मैं कह रहा हूँ इधर घुमाने ले जाऊँगा उधर घुमाने ले जाऊँगा, क्यों नहीं समझती हो तुम? तुम्हें क्या हो गया, तुम पहले ऐसे नहीं थे, ये इसे पहले हटाओ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना, घूमने में दिक्कत आती, कैसे क्या बोलेगा लोग बताओ? मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, मंगेतर हूँ। तो क्या हो गया, कैसे बिहेव कर रहे हो तुम मेरे साथ? तुम्हारी सारी शौकीन पूरा करेंगे ना, साथ में घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे, होटल वगैरह चलेंगे, क्यों ना समझ रही हो तुम? छी यार, हमें तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? तुम्हारी सोच को हुआ क्या है? अब हमारी शादी होने वाली है, 10 दिन बाद शादी होने वाली, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? शादी होने वाली है, हुई नहीं है, अभी से तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो तुम समझो ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह घूमेंगे यार, मजा करेंगे, घूमेंगे एंजॉय करेंगे, शादी से पहले तो एंजॉय कर सकते हैं ना। क्या देखो, क्या कर रही हो? देखो अमित, बहुत हो गया, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, प्लीज बदल जाओ, ऐसे तुम नहीं थे कभी। मैं चाहता हूँ यार, मैं भी चाहता हूँ कि दूसरी की तरह हम घूमें फिरें एंजॉय करें, शॉर्ट ड्रेस पहन के क्लब वगैरह चलेंगे, होटल वगैरह घूमेंगे, यार क्या कर रही है तू? हाँ, क्या क्या बार बार क्या बहन जी जैसे बन जा रही है, बताना यहाँ क्या तुम्हारा ससुर है, घूंघट डाल ले रही है बार बार? तुम्हें क्या हो गया है, कैसे जानवर हो जैसा बिहेव कर रहे हो? घूंघट क्यों डाल रही बार बार, किससे शर्म आ रही? ससुर तो नहीं है ना यहाँ पे तुम्हारा? तुम मेरे मंगेतर हो, मैं तुम्हारे सामने क्यों नहीं कर सकती, कैसे बोल रहे हो यार सामने? मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी की तरह रहो, मैं स्वेटर चाहता हूँ यहाँ तक ड्रेस पहनो, शॉर्ट ड्रेस पहनो, घूमने चलेंगे, होटल वगैरह चलेंगे, क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हें पता है ना 10 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है, शादी के बाद ही तो घूम सकते हैं ना। देखो अमित, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, अभी भी समझ जाओ, टाइम है, ऐसे मत करो, चीज़ें खराब हो रही है बहुत। क्या खराब हो रही है, मैं कौन सा गलत बात कह रहा हूँ ये बताओ, आजकल की लड़कियाँ पहनती या नहीं पहनती? देखो तुम्हें क्या दिक्कत है, हद है यार, मैं तुम खुद देखो ना यहाँ की लड़कियाँ को देखो ना कैसे पहनती है, मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ? शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए बोल रहा हूँ, वन पीस पहनने, थोड़ा सेक्सी बनो, थोड़ा सा दिखाओ ना। तुम कितने गंदे हो गए हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं गंदा हो गया हूँ? तुम कैसे जानवरों जैसा बिहेव कर रहे हो यार, तुम सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ और किसी को नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो क्या यही तुम्हारा प्यार है? मैं जैसी हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट करो ना। तो मैं तो कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट ड्रेस पहनो, मेरे साथ घूमो, तुम चलो मेरे साथ। तुम पागल हो गए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अभी शादी से पहले मुझे क्लबिंग के लिए बोल रहे हो, फिजिकल दारू क्या, कुछ नहीं बोला तुमने मुझे। अरे मेरी जान, तो अंजलि तुम समझो ना बात को, मैं कह रहा हूँ कि हम चलेंगे अभी, चलो तुम्हारा ड्रेस चेंज करवाए मॉल में, शॉपिंग करवाते हैं। देखो बहुत हो गया, प्लीज मैं और नहीं रो सकती, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मेरे साथ मॉल में चलो, तुम्हें वन पीस ड्रेस दिलाऊंगा और उसे ड्रेस चेंज करके मेरे साथ घूमने चलो। मैं इसमें ही अच्छी लगती हूँ और मैं, मुझे पता है, बस बात खत्म। सब ड्रेस पहनो ना, ये भी मुझे पहनो, नहीं पहननी, मेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए मुझे, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी पहनू। अंजलि तुम समझ के, मैं कह रहा हूँ घर पे पहनो, तुम ना मुझे इसमें भी एक्सेप्ट कर सकते हो अमित? मैं कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या बड़ी बात नहीं है, देख के उन पे कैसे सोच सकते हो यार तुम? और मैं चाहता हूँ कि होटल वगैरह भी चलते हैं जी। नहीं, फिजिकल क्यों, क्या बोल रहे हो तुम, सोच समझ के बोलो। कभी नहीं बोला, सोच समझ के बोलो। तो शादी हुई नहीं है, उससे पहले ही तुम इतना बदल गए हो।
क्या बदल गया हूँ मैं तो, मान लो शादी के बाद जो चीजें करेंगे वो पहले ही कर सकते हैं ना। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने आज तक मुझे ये सब नहीं कहा, इवन टच भी नहीं किया तुमने मुझे। टच नहीं किया तो अब तो टच करने दो। क्या हो गया तुम्हें? मुझे टच मत करो। क्या हो गया? पहले तो मुझे छूते थे, इवन हग करते थे, तो मुझे एक अच्छी वाइब आती थी कि हाँ कोई मेरा अपना मुझे छू रहा है या अपना मुझे प्यार कर रहा है। अब तुम मुझे छूते भी नहीं, ऐसा लगता है कि छी पता नहीं किस इंटेंशन से छू रहे हो मुझे तुम। क्या हो गया तुझे? तू पागल हो गई है क्या? अब टच भी नहीं करने दे रही है। तुम्हें क्या हो गया हमें? तुम्हें मेरे आंसू नहीं दिख रहे? अरे क्या नाप सना बोल रही, कह रही है कि तुम छूते हो तो ऐसी गंदी वाइब आती है। क्या बात कर रही है तू? मैं तुम्हारा पति होने वाला हूँ। पति होने वाले हो तुम? कैसे मुझे पता नहीं, अरे मेरी हर चीज में मुझे। तुम अंजलि, तुम समझ, 10 दिन बाद हमारी शादी है। हम चाहते 10 दिन बाद शादी है, जो चीजें हम शादी के बाद करेंगे वो चीजें पहले करके अनुभव करते हैं ना। क्यों? आज तक तुम्हें टच किया है? आज नहीं तक किया है। ये सारी चीजें नहीं बोली अमित, अब क्यों? मैं इसलिए अब बोल रहा हूँ, इसलिए अब बोल रहा हूँ क्योंकि अब हमारी शादी होने वाली है। टाइम है अभी। पी पी के बुरा हाल कर लिया तुमने अपना। मैं चाहता हूँ मेरे साथ चलो क्लब वगैरह, थोड़ा उक्का उक्का मारेंगे थोड़ा। तुम समझ जाओ अमित, मैं थक चुकी हूँ। मेरे आंसू देखो, मेरे इमोशंस देखो। यार मैं थक गया हूँ तुम्हारी इस हरकत से, ठीक है? पहले तुम ऐसे नहीं करती थी। कितना रुलाओगे तुम मुझे? कितना रुलाओगे? क्या रुला रहा हूँ मैं? क्या गलत बोल रहा हूँ? समझ जाओ। तुम्हें टच कर रहा हूँ, तुम्हें टच कर, क्या किसी और के साथ अफेयर चल रहा है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? नहीं नहीं बताना, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तभी ये सारी चीजें बोल रहे हो। टच नहीं करने दे रही, इसका क्या मतलब है? तू किसी और के साथ मतलब चक्कर चल रहा है? मेरे बाबा अपनी आजादी दी है प्यार करने की, मैंने कर लिया। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। बोलो। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? ऑफ कोर्स करती हूं, कैसी बातें कर रहे हो? तो करती हो तो मेरे साथ तुम रिलेशन बनाओ, आज के आज मुझे फिजिकल होना है, या फिर तुम होटल चलो, मैं अभी होटल बुकिंग कर रहा हूँ, चलो। क्या बोल रहे हो? चलो अभी। क्या दोबारा बोलना तुमने? क्या बोला? चलो। क्या बोल रहे हो अमित? बोलो। तुमने आज मुझ पे थप्पड़ भी मार दिया तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या कर रहे हो तुम? कभी जिंदगी में तुमने थप्पड़ नहीं मारा। मुझे टच मत करो। पर थप्पड़ कैसे मार दिया तुमने? लेकिन तुम जानवरों जैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कोई होश है तुम्हें? तुम मेरी मेरी कितनी रिस्पेक्ट करती थी शादी से पहले, तुम मेरे पे हाथ उठा रही हो। तो कैसे विश्वास करूं जो तुम मुझे बोल रहे हो? शादी के बाद किसी और को भी बोल सकते हो। अब तो मुझे कन्फर्म हो गया तुम्हारा जरूर किसी के साथ चक्कर ही चल रहा होगा, कन्फर्म हो गया, क्योंकि तुमने जिंदगी में मेरे साथ बदतमीजी नहीं करा। सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम ये सब करोगे मेरे साथ। क्या हो गया? आजकल सब करते, तुम्हें नहीं पता? तुम अपने पति के लिए ये सब नहीं कर सकती? लोग अपने प्यार के लिए क्या क्या कर जाती है लड़कियां, तो और मैं तुम्हारा हस्बैंड होने वाला हूँ। तुम अपने प्यार के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सब सोचते हो? सिर्फ ये सब सोचते हो? तो मुझे छुओ मत अमित। अगर मेरी ये मेरा डिमांड है, ये आखिरी फैसला है कि तुम आज मेरे साथ चलोगी और फिजिकल होगी, नहीं तो रिश्ता खत्म, रिश्ता खत्म। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मतलब आखिरी फैसला है? सोच लो अमित, सोच लिया। तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकती? पिछले 10 दिन से मैं संभल रही थी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से, वो तुम नहीं। इतना सा डिमांड नहीं पूरा कर सकती तुम। ओह गॉड, क्या हो गया तुम्हें अमित? आज करोगी या नहीं? मैं बिल्कुल नहीं कर रही। नहीं कर रही? नहीं। तो मैं शादी नहीं करूंगा। सोच लो अमित। सोच लिया है? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं नहीं करूंगा। सोच लिया। मैं लास्ट वाली बोल रही हूँ, प्लीज समझ। मैंने भी लास्ट वाली बोला है, अगर आज करोगी तो ठीक है। ठीक है, तो मैं भी आपको किसी से मिलवाना चाहूंगी। पिछले 10 दिनों से आपने कोई मुझे संभाला नहीं, कोई सपोर्ट नहीं दिया, तो एक ही इंसान था। क्या 10 दिन से क्या चल रहा है बताओ? मिलवाती हूँ। अच्छा, किससे? मासूम। हेलो, ये कौन है? क्या हो? खुद ही मिल लो। तू कौन है भाई? तेरे साथ मिलाने जाऊंगा मैं इसका। अबे हाथ हटा। मैं इसका होने वाला ना पति हूँ, ठीक है? मुझे ना इस रूप में ही मुझे ये पसंद है। अब तू जो डिसाइड करना कर। कौन है? बड़े बीच में क्यों आ रहा भाई बताना? हाथ लगा रहा है। मैं थोड़ा, ये कौन है? खुद मिल लो ना तुम। कौन है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही नहीं? मैं अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला था? मैं जब आऊंगा यही सब होने वाला है। तुम, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट बाद अगर तुम्हें बात जो करना है कर लो, मैं उसके बाद तुम्हें इससे कभी इस कमीने से मिलने तक नहीं दूंगा। जो करना है अभी करो, मुझे नहीं पता, कर लो बात। बताना, देखो ये नहीं, बैठ के बता मुझे पूरा बात बता, कौन है ये?
पिछले 10 दिनों से जो मुझे संभाल रहा था वो ये इंसान था, ठीक है? और सुन, संभाल रहा था। अब क्यों रो रहे हो अमित, क्या फायदा रोने से? कैसे कर सकती हो, मुझे धोखा कैसे दे सकती हो यार? तुमने तो ऑलरेडी मुझे दे दिया धोखा, इतना बड़ा की सोच भी नहीं सकती मैं। मैं सर कैसे कर सकती हूँ मेरे साथ? अब कोई फायदा नहीं है अमित रोने से। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की को नहीं देखा अंजलि, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? मत छू, कोई फायदा नहीं है अमित इसका, मत छू मुझे, मेरी बात सुनो। अंजलि कौन था प्लीज बता दो मुझे, कौन था वो? क्या फायदा रोने से? वही है जो मुझे संभाल रहा है, उसने मुझसे कोई डिमांड नहीं करी, मुझे नहीं बोला कि ऐसे कपड़े पहनो, बाहर चलो, मेरे साथ ये करो वो करो, ये बैठ के खाओ ये बैठ के पियो, कुछ नहीं बोला उसने मुझे। उसने मुझ पर विश्वास किया, जहाँ तक कि मैं उसके साथ कहीं घूमी भी नहीं हूँ। अंजलि क्या कर रही हूँ, कल का आया हुआ लड़का, वो मुझसे शादी करना चाहता है और मैं भी करना चाहती हूँ और मैं कर लूंगी। क्या कर रही हो अंजलि, बताओ यार कौन था, प्लीज मुझे बताओ अंजलि। मैं क्या पागल हूँ, क्या डिसीजन लियो? आप खुद ही पूछ, हो गया ना बात भाई? प्लीज मेरी जिंदगी है भाई, मेरे से दूर रह, मैं तेरे से प्यार से बात करने आया था ना, दूर रह भाई। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, तुझे शर्म आ रही है? जिसके साथ तुम 1 साल से रिलेशनशिप में थे, तुमने पता है डायमंड खो दिया भाई, वो मेरे पास है। मेरे, आपको दूसरी लड़की मिल जाएगी, मैं 1 साल से बहुत सच्चा प्यार करता हूँ भाई। यार हट, अंजलि प्लीज, अंजलि तुम का, मैं तुम्हारी थी, अब नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं संभाल पाए। तुम ये बात कैसे कर सकते हो एक लड़की से? हाँ मैं तुमसे वही तब शादी करूंगी, यही बेशरम है ना अंजलि प्लीज। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें सोचना चाहिए था ना, तुमने डायमंड खोया है बाबू, याद रखना भाई। आपको बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी भाई, मैं इससे बहुत अच्छी लड़की मिलती हूं भाई, इसके पास क्या करता? मुझे तो यही अच्छी लगी ना भाई, मैंने 1 साल से कभी इसको टच नहीं किया, ऐसी बातें नहीं करा अंजलि, तुम समझो ना अंजलि। एक मिनट कभी नहीं, मैं बिना टच की बात कर रहा हूं, तू भी बिना टच की बात कर। मैंने आपको कभी गलत तरीके से टच किया? मैंने आपसे कोई डिमांड किया कि चलो घूमने चलते हैं, क्लबिंग करते हैं? कभी नहीं। कभी शॉर्ट ड्रेस, आप जो कपड़े में आए मैंने पसंद किया, तो भाई यहीं पे बात खत्म हो जाती है। अंजलि मैंने भी 1 साल से तुम्हारे से प्यार करा, आजाद हो अभी, कुछ गलत बोला? फ्री हो अंजलि, तुम बात समझो ना। ये दिल्ली शहर है बाबू, तुम्हें ऐसी लड़कियां बहुत मिल जाएगी, तुम्हें जो चाहिए भाई आपको मिल जाएगी भाई, ये मेरी जिंदगी है भाई। मुझे इस जनरेशन में ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, समझो मेरी बात भाई, मुझे इस जनरेशन में ऐसी लड़की नहीं मिलेगी ना, मुझे नहीं मिलेगी भाई। यार तुम दूर हो जाओ, मैं कह रहा हूँ बार बार, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ भाई, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ यार अंजलि प्लीज। क्या करना है इसका बता दो, देख लो इसको, समझाओ, मुझे नहीं पता, जो बात करना अभी करो बात, मेरे सामने होगी बात। अंजलि प्लीज इधर आ जाओ, दूर से बात करो, बात करना बिना छुए बात कर, ठीक है भाई? मेरी शादी होने, आपको अच्छी लड़की मिल होने वाली भाई, मैं बाबू अंजलि तुम बता, शादी टूट चुकी है, तुमसे 1 साल से प्यार करता हूँ, आज तक कभी ऐसी बातें करा था नहीं, करा था मैं कभी टच किया? अब क्यों करा भाई, अब क्यों किया तुमने, अब क्यों किया वो जानना है ना मुझे। ये लड़की को जो चीज नहीं चाहिए वो चीज करवाने के लिए तुमने जबरदस्ती किया इसके साथ। अंजलि मैं किया हूँ कभी 1 साल से हम साथ में, कभी ना किया वो नहीं मायने रखते, अब भी क्यों किया तुमने? ये तो तुम्हारी बीबी होने वाली थी ना, तुमने क्या किया इसके साथ? शॉर्ट ड्रेस, कपड़े, क्लबिंग, दारू, क्या ये? अंजलि मैं बहक गया था, अंजलि तुम बात समझो ना, अंजलि मैं बहक गया था, मैं दूसरे के बातों में आके बहक गया। कैसे विश्वास कर लूं मैं कल को तुम? अब क्या करना है बताओ, एक मिनट, अब क्या चाहते हो तुम भाई? मैं इसके बिना नहीं जी सकता भाई, वो तो मुझे पता ही नहीं रह सकता, वो तो दिख भी रहा है, अब चाहता क्या है? वो जो तेरे डिमांड है वो कहाँ गए फिर? अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा भाई अंजलि, कुछ नहीं बोलूंगा अंजलि प्लीज, तुम बता दो, तुम बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अंजलि। इसकी ना मगरमच्छ वाले आंसू भी देख लो क्या अंजलि प्लीज, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आज के बाद, कभी कुछ नहीं बोलूंगा, जैसे तुम बोलोगे वैसे ही करूंगा, तुम्हारी कसम, जैसे बोलोगे। विश्वास मत करना, ये बदल जाएगा तुरंत। क्या बोल रहे हो भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कह रहा हूँ विश्वास बिल्कुल मत करो इसके ऊपर, तुम सच में बदलना चाहते हो? ये वही लड़का है ना जो 10 दिन पहले तुम्हारे से, मैं बदल जाऊंगा क्या? मैं बदला हूँ अंजलि, मैं बहकावे में आ गया था, तुम्हारे रंग ना मुझे समझ नहीं आ रहे अमित। मत भरोसा करना इस पे, ये वही मगरमच्छ वाले आंसू लेके तुम्हारे पास रो रहा है। ओ भाई क्या बोल रहा है तू, मैं बोल रहा हूँ देखो कैसे कर रहा है, देखो कैसे हाथ लगा रहे हो तुम उसे, क्या बोल रहे हो? तुम्हारे जैसा नहीं है वो, एक्सेप्ट कर रहे हैं वो मुझे हर चीज में। मैं भी तो कर रहा हूँ, कैसे कर रहे यार? तुम्हारी 10 दिन बाद शादी थी, तुम इसको क्या कह रहे हैं कि मुझे बोलने में मुझे शर्म आ रही है भाई? भाई कर ले, तुम्हारी कोई नहीं है, एक्स है। अब मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए रेडी हूँ,
कभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं दूसरे के बहकाव में आ गया था। प्लीज अंजलि तुम बात को समझो, कौन है? अगर तुम दोबारा आ गए तो कभी नहीं करूंगा अंजलि, कभी कुछ भी नहीं। कैसे मान लूं, कैसे विश्वास कर लूं तुम पे यार? कैसे तुम्हारे आंसू भी देख के मुझे तरस नहीं आ रहा। मैं दस बार तुम एक चीज बता मुझे, तू इसके साथ सोना चाहता है ना? मुझे सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दे, तू कितना अच्छा है, ये सर्टिफिकेट दे सकते हो तू? भाई मैं इसे दे सकता है तू? भाई मैं पूछो यार, एक साल से रहता हूँ यार, कभी कुछ किया? अंजलि फोन निकाल, चेक करने दो, फोन चेक करने देगा? क्या तू कौन होता है चेक करने वाला? तू कौन होता है मेरी होने वाली बीबी के साथ बात करने वाला? बता बता अंजलि क्या बोले जा रहा है? अंजलि से बोलो क्या बोल रहा है? चलो मैं बोल रहा हूँ तो बुरा लग रहा है, इससे भी पूछ ले, ये भी करना चाहती हूँ मुझसे शादी। अंजलि प्लीज, और मेरे रहते हो तो तुझे एक होने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे जैसा माइंड का इंसान एक अच्छी लड़की जाने नहीं देंगे, तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अंजलि प्लीज, ऐसा तुमने मौका खो दिया अमित। चलो अंजलि प्लीज, तुमने मौका खो दिया, मुझसे दूर रहो और तुमने मौका खो दिया। चलो चलो अमित, तुम्हारे मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा अंजलि, तुम्हारी कसम मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, कभी नहीं बोलूंगा। अब रोना बंद करो अमित। आई एम सो सॉरी अंजलि, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अंजलि, मुझे प्लीज मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा अंजलि। बट भाई इतना प्यार करता है उससे, इतना प्यार करता है, अपनी जान से भी ज्यादा करता हूं भाई, मैं इसके बिना नहीं जी सकता भाई। तुम्हें क्या हुआ भाई? मुझे दूसरे दूसरे एक मिनट रुक जा, मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा हूं। मुझे वहां देख, वहां वहां देख सामने कैमरा। भाई कैमरा क्यों लगा रखे हो यार? देख ये माइक है, तेरी गर्लफ्रेंड के पास भी माइक लगा हुआ है। ये कैमरा क्यों लगा रखा है यार? सुन ले भाई, तुमने जो जो चीज बोले हो ना सारा रिकॉर्ड हुआ है। मुझे ये जानना है कि तू इस लड़की से कितना प्यार करता है। मैं अपनी जान से भी ज्यादा करता हूँ भाई, तुम्हें क्या हो गया था इस बीच? भाई मेरे दोस्तों ने मुझे बहका दिया था यार। दोस्तों के बीच क्यों बैठता है जो तुझे अपनी गर्लफ्रेंड को तमाशा बनवाना चाहता है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक ना वस्तु समझता है, जो इंसान नहीं है। क्या नहीं, उसकी फीलिंग्स होगी ना यार, वो तुमसे प्यार करती है, तुम पे भरोसा करती है। अगर तुम इसके बारे में ऐसा सोच रखोगे तो किसके पास जाएगी वो? भाई मैं ऐसा नहीं था यार, दोस्तों ने मुझे बहका दिया। इस चीज़ की गारंटी दोगे कैमरे के सामने कि तुम इससे कभी भी डिमांड नहीं करोगे गलत तरीकों गलत चीजों का, और कभी इसे बदलने की कोशिश नहीं करोगे? यही चाहती हो ना तुम? अंजलि मैं वादा करता हूँ, अंजलि मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं कभी जिंदगी में तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा अंजलि तुम्हारे। अगर ऐसा नहीं हुआ ना भाई, मैं इसको ले जाऊंगा। नहीं भाई, नहीं भाई, आप बता दिया आप ले जा, नहीं भाई मैं कभी नहीं बोलूंगा अंजलि तुम्हारी कसम, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ अंजलि। ठीक है, अब मैं तुमसे बहुत मेरी बहन है, परेशान मत हो, ये मेरी बहन जैसी है, ठीक है? तू इतना प्यार करता है तो अपने दोस्तों के साथ मत रहना, इसी लोगों के साथ क्यों अंजलि? इससे ना तुम शादी के बाद उसी लोगों के साथ उठना बैठना बंद करा दो। ये पागल इंसान है, दिल का अच्छा है, मुझे दिख रहा है ये, लेकिन ये जो कर रहा है ना उनके चक्करों में कर रहा है भाई। ऐसी मिलेगी तुम्हें गर्लफ्रेंड जो आज के जनरेशन में ना इतनी अच्छी सोच रखती है? खुश रख यार, देख क्या बात कर रहा है। देख भाई ये सारी चीज़ें ना जो भी हो रही थी, हम तुम्हें अक्कल टिकाने लाने के लिए सारी हरकतें कर रहे थे। ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, इन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया, मेरा देख ले यूट्यूब आईडी है ये देख, मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता हूँ। तुम जो कैमरे पे रिकॉर्ड कर दिए हो सारी चीज़ें बोले हो, फिर से बोलो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्रॉमिस करो सबसे। मैं प्रॉमिस करता हूँ गाइस कि मैं अपनी अंजलि को कभी नहीं छोड़ सकता, मैं दूसरे के बहकावे में कभी नहीं आऊंगा गाइज। आप लोग भी कभी मत आना यार, अपने डायमंड को कभी अपने प्यार को मत खोना यार। तो एक्सेप्ट कर रही हो ना तुम मुझे? बाबू मैं खोल, ठीक है ले जाओ इसको। चलो, चलो। थैंक यू भाई, अरे कोई नहीं, ठीक है अंजलि कॉल करना। थैंक यू। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है इन वीडियो में देख के? क्योंकि अंजलि ने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर एक लॉयल्टी टेस्ट किया था जिसमें उसका बॉयफ्रेंड पास हो चुका है, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता, बस दो चार गंदे लोगों के बातों में आके वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो गलत एडवाइस दिमाग में बहुत जल्दी घुस जाती है, अच्छे एडवाइस घुसते नहीं है। तो उन लोगों के साथ ही बैठो जो तुम्हें अच्छे एडवाइस दे रहे हैं, शायद वो तुम्हें अच्छा चाहते होंगे। तो अगर प्यार करते हो ना तो जैसी है वो वैसी ही रूप में उसे एक्सेप्ट करो, नहीं तो भैया आप खो दोगे उसे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था वो भी कमेंट करना, और नए हो तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।